हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राउंड फाइव। जैसे कि ये अपना राउंड फाइव है, तो साइंस का भी हमारा ये फिफ्थ चैप्टर ही है और फिफ्थ चैप्टर होना ही चाहिए। तो हम अपने फिफ्थ चैप्टर को लेकर आपके बीच में आए हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। देखिए, ये जो चैप्टर है ना, इसका मतलब ये है कि किस तरीके से अलग अलग प्रकार के जानवर, जैसे चिड़िया हो गया, कोई रेप्टाइल्स हो गया, कोई इंसान हो गया, मतलब कॉकरोच हो गया, बटरफ्लाई हो गए, ये लोग कैसे अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमको लेनी है। तो चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से, कौन कौन से प्रोसेस को लेकर वो लोग क्या क्या करते हैं। ठीक है। ऑल एनिमल्स हैव अ लाइफ स्पेन, मतलब हर एक एनिमल, हर एक जानवर का एक लाइफ स्पेन होता है। ठीक है। दे ग्रो अप, ग्रो होंगे, बिकम ओल्ड एंड देन डाई, मतलब ग्रो अप होंगे, मतलब बूढ़े होंगे, फिर मर जाते हैं। फॉर लाइफ टू गो ऑन, लाइफ को आगे जाते रहने के लिए, ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस ऑफ देयर ओन काइंड, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं ना, सब के सब अपने एक तरीके के प्राणी को जन्म देते हैं। जैसे कि इंसान इंसानों की तरह जन्म देते हैं, बंदर बंदर की तरह जन्म देते हैं बच्चे को, गाय गाय की तरह बच्चे को जन्म देती है, तो एक अपने काइंड के बच्चे को जन्म देते हैं। द प्रोसेस बाय विच द लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जो प्रोसेस होता है ना, जिस प्रोसेस की मदद से एक लिविंग थिंग्स अपने यंग वंस को रिप्रोड्यूस करता है, यानी जन्म देता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। डिफरेंट एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज, डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं ना, वो अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अनुसार पे एनिमल्स आर डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स। तो पहला क्या हो गया, एनिमल दैट ले एग्स एंड एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, एनिमल जो अंडे देती है, और दूसरा हो गया एनिमल जो यंग वंस यानी बच्चे को जन्म दे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एनिमल्स दैट ले एग्स, ऐसे जानवर जो अंडे से जन्म देते हैं। ठीक है। अब ये बाद में आप पढ़ोगे ओवीपोरस क्या होता है, वीवीपोरस क्या होता है, अगर शायद अंदर होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। देखो, एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, द एग्स आर केप्ट इन द वॉर्म प्लेस और द पैरेंट एनिमल्स सिट ऑन द एग्स टू कीप देम वॉर्म। जो एनिमल्स अंडे देकर बच्चे को जन्म देते हैं ना, तो उन अंडे को गर्म जगहों पर रखा जाता है, और जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं ना, उसको गर्मी देने के लिए उसके ऊपर बैठ जाते हैं। वंस दे आर मैच्योर्ड, जैसे ही वो अंडा पूर्ण रूप से पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है ना, द यंग वंस हैच आउट, उसके अंदर जो बच्चे होते हैं ना, वो अपने आप ही बाहर आ जाते हैं। बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फ्रॉग्स, फिश, इंसेक्ट्स, क्रैब आर सम वेल नोन एनिमल्स दैट ले एग्स, ये वो वेल नोन एनिमल्स है जो अंडे देते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एन एग, एन एग हैज अ थिन एंड हार्ड प्रोटेक्टिव शेल कॉल्ड एग शेल। जो एग होता है ना, इसके बाहर एक ना वाइट कलर का हार्ड एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एग शेल। इट कंटेन्स अ येल्लो योक विच इज सराउंडेड बाई वाइट जेली लाइक लिक्विड कॉल्ड एल्ब्यूमेन। देखिए, बीच में ना एक येल्लो कलर का एक पार्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं योक, राइट, और उसके आजू बाजू में ना एक वाइट कलर का लिक्विड होता है। लेकिन ये तो क्या है, लिक्विड फॉर्म में अंदर। अब कभी कभी अगर हम लोग इसको पानी में गर्म करेंगे ना, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये येल्लो योक, ये बहुत ही अच्छे तरीके से येल्लो कलर का दिखाई देगा, राउंड कलर का दिखाई देगा, येल्लो कलर का राउंड शेप का दिखाई देगा, और इसके बाजू में भी बहुत अच्छे ढंग से ना वाइट कलर का पूरा एक अच्छा सा शेप ले लेता है, सेम इसी तरीके से दिखाई देता है, और ऊपर एक व्हाइट कलर का एक पार्ट रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं एग शेल। यानी जो व्हाइट वाला हिस्सा है, उसको हम लोग बोलते हैं एल्ब्यूमेन, उसको जो कवर करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एग शेल, और जो अंदर येलो कलर का पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं योक, राइट। ये तीनों नाम याद रखना है। द चिक ग्रोइंग इनसाइड द एग रिसीव्स इट्स फूड फ्रॉम एल्ब्यूमेन, जो अंदर जो चिक, मतलब जो बच्चा ग्रो हो रहा होता है ना, ठीक है, वो अपनी जो फूडिंग जो होती है ना, वो इस एल्ब्यूमेन से लेता रहता है। द ग्रोइंग चिक इज कॉल्ड एम्ब्रायो, जो ग्रोइंग चीक होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रोयो। द एम्ब्रोयो डेवलप्स इन टू अ चिक ओनली वेन द एग इज केप्ट वॉर्म, और जो एम्ब्रोयो होता है ना, वो चिक के अंदर तभी ग्रो कर पाता है, ठीक है, जब एम्ब्रोयो चिक तभी बन पाता है जब अंडे वॉर्म होते हैं, विच आर केप्ट वॉर्म, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, बर्ड्स, ऑल बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। सारे बर्ड्स है ना, ज्यादातर 95% बर्ड्स ऐसे हैं ना, जो अंडे देकर ही बच्चों को जन्म देते हैं। द पेरेंट बर्ड्स सिट ऑन द एग्स टू कीप देम वॉर्म, जो मेन माँ होती है ना, या पेरेंट होता है, वो अंडे के ऊपर बैठते हैं ताकि उसको गर्माहट दे सके। दिस पीरियड इज कॉल्ड इंक्यूबेशन, और इस पीरियड को क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन।
When the cheeks are fully grown, they break the shell and come out, and this is called hatching. देखो यहाँ पर दो हम लोग ने प्रोसेस के बारे में सीखा, एक होता है इंक्यूबेशन और एक होता है हैचिंग. इंक्यूबेशन बेसिकली क्या होता है ना, जब एक पैरेंट पैरेंट बर्ड अंडे के ऊपर बैठती है ताकि उसको गर्मी दे सके ना, उस प्रोसेस को वी कॉल इट एज अ इंक्यूबेशन. एंड सिमिलरली जब बच्चा फुल्ली ग्रो हो जाता है ना, ठीक है, और वो बाहर आता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं हैचिंग. व्हाट वी कॉल इट? हैचिंग. एग्जैक्टली. अब बारी आती है नेक्स्ट इंसेक्ट्स की, ठीक है. इंसेक्ट्स ऑल्सो ले एग्स. इंसेक्ट्स भी अंडे ही देकर बच्चे को जन्म देते हैं. इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाइज, बटरफ्लाइज हैव 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, वाइल इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेस हैव ओनली 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. एंड द लार्वा ऑफ द कॉकरोच इज नोन एज निम्फ. लार्वा मतलब देखो मेन जो कॉकरोच होता है ना, उससे जो छोटा होता है ना कॉकरोच, उसको हम लोग बोलते हैं निम्फ. क्या बोलते हैं उसको? निम्फ. देखो इसमें देखो एक अच्छी चीज क्या है, हाउस फ्लाई और बटरफ्लाई. देखो ये कौन है? ये हाउस फ्लाई है. इसके अंदर कितने स्टेज हैं? 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4, ठीक है. कॉकरोच के अंदर 3 ही स्टेज है, ठीक है. तो हाउस फ्लाई और बटरफ्लाई में 4 स्टेजेस हैं, कॉकरोच में 3 ही स्टेज है, और कॉकरोच का जो लार्वा होता है उसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ. क्या बोलते हैं? लिम्फ, ठीक है. द एग्स ऑफ ए बटरफ्लाई और अ हाउस फ्लाई डेवलप्स इनटू अ वॉर्म लाइक लार्वा. दिस लार्वा इज कॉल्ड कैटरपिलर. देखो बटरफ्लाई का जो लार्वा होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं कैटरपिलर इन केस ऑफ बटरफ्लाई, एंड मैगोट इन केस ऑफ हाउस फ्लाई. देखो बटरफ्लाई के लार्वा को कैटरपिलर बोलते हैं, हाउस फ्लाई के लार्वा को मैगोट बोलते हैं, और कॉकरोच के लार्वा को निम्फ बोलते हैं. तो यहाँ पर 3 अच्छे वर्ड्स हैं, ठीक है. मैगोट हो गया, निम्फ हो गया, और वो नहीं दिख रहा है अपने को किसका, बटरफ्लाई का. तो बटरफ्लाई में कैटरपिलर बोलते हैं. द कैटरपिलर फीड्स ऑन लीव्स एंड ग्रो. कैटरपिलर का मेन काम क्या है ना, वो पत्तों पर ग्रो होता है खाते खाते. After some time, it spins a cocoon around itself. In this state, it is called pupa. अब देखो actually होता क्या है, देखो ये pupa दिख रहा है, ये actually caterpillar यानी butterfly की बात कर रहा है, housefly की बात नहीं कर रहा. Housefly में क्या होता है, जब ये caterpillar बन जाता है ना, तो caterpillar वालों क्या करता है, वो leaves के ऊपर है ना खा खा के उसको grow होता है, और grow होने के बाद है ना वो उसके ऊपर है ना एक पूरा जाल जैसा, एक structure, धागे जैसा एक स्ट्रक्चर अपने आप को डेवलप कर देता है, और उसको फिर वो स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, पूपा. क्या बोलते हैं? प्यूपा. और वो जो स्पिन क्या करता है, ककुन, वो पूरे को फिर ककुन बोलते हैं. लेटर व्हेन द प्यूपा ओपन्स एन अडल्ट बटरफ्लाई कम्स आउट ऑफ इट. और जब प्यूपा खुलता है ना तो उसके अंदर से एक अच्छा खासा सा बटरफ्लाई बाहर निकलता है. एंड द मैगोट फीड्स ऑन गार्बेज. जो मैगोट होता है ना वो गार्बेज यानी गंदी चीजों को खाता है. एंड देन क्रॉल टू अ कूल प्लेस. फिर वो ठंडे वाली जगह पर आते हैं. देयरफॉर इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ प्यूपा. फिर वहां पर वो प्यूपा बनता है. एंड द अडल्ट हाउस फ्लाई कम्स आउट ऑफ द प्यूपा. और एक अच्छा हाउस फ्लाई प्यूपा से ग्रो होकर बन जाता है. देखो अंडा, फिर मैगोट, फिर प्यूपा, फिर हाउस फ्लाई, ठीक है. अब बारी है एम्फीबियंस की. पहले तो मैं आपको बता दूं, एम्फीबियंस वो प्रकार के जानवर होते हैं जो जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं बिना किसी टेंशन के. और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है फ्रॉग. एनिमल सच एज फिश एंड फ्रॉग्स ले देयर एग्स इन वॉटर. द यंग फ्रॉग दैट कम्स आउट ऑफ द एग्स इज कॉल्ड टेडपोल. सबसे पहले देखो जो फ्रॉग होते हैं ना, वो बच्चे को जो जन्म देते हैं ना, वो अंडे की मदद से ही देते हैं, ठीक है. किसकी मदद से देते हैं? अंडे की मदद से. और ये लोग अंडे जो ले करते हैं ना, वो कहाँ पर ले करते हैं? पानी के अंदर ले करते हैं, ठीक है. कोई स्टेबल वाटर जहाँ पर ज़्यादा पानी हिलता डुलता ना हो ना, वहाँ पर ये अंडे लेकर देते हैं. अब जब अंडे वो लोग ले करते हैं तो उसके अंदर जो बच्चा निकलता है उसको लोग बोलते हैं टेडपोल. और टेडपोल जो है ना धीरे धीरे करके ग्रो होके क्या बन जाता है? एक अडल्ट फ्रॉग बन जाता है. क्या बन जाता है? एक अडल्ट फ्रॉग. नेक्स्ट है एक्वेटिक एनिमल्स. अब फिश लेज. एक्वेटिक एनिमल्स मतलब वो जानवर जो ज्यादातर पानियों में ही रहते हैं, ज्यादातर क्या पानी में ही रहते हैं. अब फिश लेज थाउजेंड्स ऑफ एग्स इन वाटर. एक मछली होती है ना हजारों अंडे पानी में देती है. बेबी फिश हैच आउट ऑफ द एग्स. बेबी फिश जो है ना वो अंडों में से निकलती है. बट मेनी ऑफ द एग्स एंड द बेबी फिश आर ईटन बाई बिग फिश. बट मेनी ऑफ द एग्स एंड बेबी फिश आर ईटन बाई बिग फिश. लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी जो मछलियाँ होती है ना, वो एक्चुअली क्या हो जाता है, बड़ी मछलियाँ उसको खा जाती है. देयर एग्स आर नॉट कवर्ड विद द शेल्स. उनके जो एग्स होते हैं ना वो शेल से कवर्ड नहीं होते हैं. दे आर सराउंडेड बाई अ जेली लाइक सब्सटेंस विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द वॉटर एंड फ्रॉम एनिमीज. मतलब उनको क्या करते हैं, दे आर सराउंडेड बाई जेली लाइक सब्सटेंस विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द वॉटर एंड फ्रॉम एनिमीज. मतलब जो अंडे होते हैं ना उनके, वो जेली लाइक स्ट्रक्चर से सराउंडेड होते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करता है पानी से भी और एनिमी से भी.
अब बेबी फिश इज कॉल्ड अ फ्राई, और जो मछलियों के बच्चे होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्राई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्राई। अब देखिए रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स बोलते ही बाजू में कौन दिख रहा है, स्नेक। तो स्नेक, क्रोकोडाइल, लिजर्ड, टर्टल, ये सारे ना रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल हैं, और ये सभी के सभी अंडे देते हैं जमीनों में। दे डू नॉट सिट ऑन द एग्स टू कीप देम वॉर्म, ये अंडों के ऊपर बैठते नहीं उनको गर्म करने के लिए। द एग्स आर वॉर्म्ड बाय द सन, और ये ना सन की वजह से गर्म होते हैं। एंड हैच इन टू यंग वंस, और फिर उसके अंदर से एक नया बच्चा निकलता है। दीज आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय द पेरेंट्स, और इनको ना पेरेंट्स प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। मेनी ऑफ देम गेट ईटन अप बाय द अदर एनिमल्स, और इसमें क्या होता है, बहुत सारे जानवर बच्चे जो होते हैं ना अंडे में से निकलने के पहले ही दूसरे जानवर उनको खा लेते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट आ गया मैमल्स। मैमल्स वो होते हैं जो अंडे नहीं देते हैं, ये सीधे जन्म देते हैं बच्चों को। जैसे देखो हम लोगों को कैसा है, हम लोग अंडे से जन्म नहीं लेते हैं। ठीक है, एक बच्चा जो होता है ना वो अंडे से जन्म नहीं लेता है, वो होता क्या है ना, एक माँ उसको जन्म देती है। तो वही देखो, जैसे गाय है, गाय के बच्चे को माँ ने, उसकी माँ ने जन्म दिया, शेरनी ने उसके बच्चे को जन्म दिया, तो वो मैमल्स के कैटेगरी में आते हैं। देर आर सम एनिमल्स विच डू नॉट ले एग्स, विच डू नॉट ले एग्स, दे रिप्रोड्यूस यंग वंस एंड प्रोड्यूस मिल्क टू फीड देम, वो बच्चे को जन्म भी देते हैं और उसको मिल्क भी पिलाने का जिम्मेदारी उनकी रहती है, और उसको हम लोग बोलते हैं मैमल्स। मोस्ट मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज, ज़्यादातर मैमल्स के बॉडीज पे हेयर होते हैं। द एनिमल्स यानी मदर कैरी देयर बेबीज विद इन देयर वोम्स टिल दे आर फुल्ली डेवलप्ड टू बी बॉर्न बॉर्न, यानी जैसे बोलते हैं ना कि एक बच्चा अपनी माँ के कोख में तब तक पलता है जब तक उसको जन्म लेने का समय नहीं आया हुआ होता है। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, कैट्स हो गया, काउज हो गया, डॉग्स, मंकीज, ह्यूमन बींग्स, ये सारे मैमल्स हैं। बैट्स, बैट्स यानी एक बर्ड का नाम है, विच फ्लाई इन द एयर आर ऑल्सो मैमल्स, यानी ये एक एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है मालूम है, ये एग्जाम्पल है एक ऐसे पक्षी का जो अंडे देकर जन्म अपने बच्चे को नहीं देता है, वो डायरेक्टली अपने बच्चे को अपने बच्चे को जन्म कर देता है, यानी रिप्रोड्यूस करता है। तो बैट इज द ओनली वन बर्ड जो कि एक मैमल के कैटेगरी में गिना जाता है। वेल्स एंड डॉल्फिन्स विच लुक लाइक फिश ऑल्सो गिव बर्थ टू देयर बेबीज, वेल्स और डॉल्फिन्स ये भी मछली जैसी ही हैं लेकिन ये अंडे नहीं देते हैं, ये सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, और ये सारे के सारे क्या है, मैमल्स हैं। क्या है, ये सारे के सारे मैमल्स हैं। तो यहाँ पर बच्चों अपना चैप्टर समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट राउंड में फिर से। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।